ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सा ऐप हमें रखना चाहिए अपने चार्ट को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, या क्या क्या ज़रूरत पड़ता है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक ऐप है जो हमारा डीमेट अकाउंट होगा, जिसमें उसकी ऐप होनी चाहिए हमारे पास, डीमेट अकाउंट की ऐप। ओके, डीमेट अकाउंट की ऐप, लाइक आपके पास अगर जीरोधा है, ठीक है, धन है, एंजल वन है, एंजल है, पेटीएम है, ग्रो है, अपर स्टॉक्स हैं, एलाइस ब्लू हैं, ठीक है, जो भी है उन सभी की एक ऐप होनी चाहिए आपके पास, ठीक। लाइक मैं धन पे ट्रेड करता हूँ तो देखो ये ऐसे इस तरह से है, ठीक है, और ये जीरोधा का है काइट ये वाला, ओके, ये उसकी टर्मिनल होगी, ठीक है। और दूसरा अब आपके पास होना चाहिए, तीसरा ऐप अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए। तो तीसरा आपके पास होना चाहिए एक ऐप है, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ओके, ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू क्या करता है, ट्रेडिंग व्यू ऐप पे ना आप देखते हो कि ट्रेडिंग व्यू ऐप से आपको पता चलता है, मतलब चार्ट पता चलता है आपको कि कौन सा स्टॉक का चार्ट कहाँ पे है, उसकी क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, वो पता चलता है। अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आपको आई स्टोर मिल जाएगा, ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे ट्रेड चार्ट वगैरह देखना चाहते हो तो आप बस कुछ नहीं इन ट्रेडिंग व्यू डॉट इन कर दो, आ जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो ऐप है उसका, किसका, ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, जैसे मुझे ना कुछ चार्ट देखने, जैसे मानो कि मुझे किसी कंपनी की चार्ट देखनी है, मैं चला, चलो मुझे, चलो मुझे ना डाबर की चार्ट देखनी है, ठीक है, इसमें क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, ये मुझे ड्रॉ करनी है। इसमें तो ड्राइंग किया हुआ है, मैकडोवल का देख लेता हूँ। ओके ओके, मुझे देखो इसकी चार्ट देखनी है, ठीक है, मैकडोवल में क्या चल रहा है ये मुझे चार्ट देखना है, कि मतलब क्या मुझे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्रेडिंग व्यू का यूज करूँगा, ठीक है। तो देखो ट्रेडिंग व्यू, ये देखो इस ट्रेडिंग व्यू ऐप से आपको ये पता चलेगा कि ये सपोर्ट पे अपने क्या रेजिस्टेंस पे। ओके, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये कि इस प्राइस जोन से ना, इस प्राइस जोन में जब भी ये आया ना मैकडोवल की प्राइस लगभग 700 के आसपास वाली रेंज में, तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आया इसमें। देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें, ओके, एक बार देखो ये यहाँ पे आया तो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ आया तो यहाँ से ऊपर गया, एक बार फिर यहाँ ये 21 जून को यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि इस जोन में जब भी प्राइस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस पे किस में आ रही है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ओके, तो मैं क्या, ये देखो मेरे लिए क्या हो गया, एक सपोर्ट का काम करेगा ये, कि अगर यहाँ पे आता है तो अगर मुझे ख़रीदारी करनी है इसमें, तो मैं ना इस मोमेंट का वेट करूँगा कि यहाँ से, या फिर मैं एक नया सपोर्ट ढूँढूँगा। देखो दूसरा सपोर्ट मेरे लिए क्या है यहाँ पे इसमें, ये देखो, देखो इस जोन में देखो जब भी प्राइस इस जोन में आ रहा है, ठीक है, इस जोन में जब भी प्राइस आ रहा है तो क्या देख रहे हैं हम, उसमें से एक अच्छी लंबी रैली देखा। एक बार यहाँ आया, दूसरा बार आया, यहाँ गया, तीसरा बार आया तो गया, चौथी बार आया तो इसने नीचे का ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ रहा हो। फिर देखो जब इसको क्रॉस किया तो फिर देखो यहाँ से यहाँ गया, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ओके, यहाँ से यहाँ गया, फिर देखो अगर देखो उसके बाद जब प्राइस नीचे आ रहा है तो देखो क्या कर रहा है, इसको रिटेस्ट किया इस लेवल को, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ पे बाएंगे, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस से काम किया, ये देखो ऐसे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इसने ब्रेक आउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या इसमें, देख रहे हो आप कि ये प्राइस है ना, ये बार बार इस प्राइस जोन से या तो ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। तो आपको चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखेगा, ठीक है। और मैं दूसरा आपको जैसे दिखाता हूँ, आपको टाटा कंज्यूमर की चार्ट ले लो। ओके, टाटा कंज्यूमर की चार्ट पीछे आके देखते हैं, बहुत सारा ड्रॉइंग है यार, आईटीसी की लेता हूँ, इसमें कम ड्रॉइंग होनी चाहिए। ओके, आईटीसी की चार्ट देखो आप। ओके ओके, चलो जी, आईटीसी की चार्ट देखो आप। ओके, आप देखो कि आईटीसी, ये देखो ये जिस जब भी इस जोन में आ रहा है, एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हो रही थी इसकी, ठीक है। आप देखो इसमें कि जब भी इस जोन में आ रहा था आईटीसी, तो एक अच्छी खासी बाइंग हो रही थी, यहाँ पे आया बाइंग हुई, यहाँ पे आया बाइंग हुई इसमें, और अभी देखो आईटीसी इसी रैली को कंटिन्यू करते जा रहा है, ठीक है। और आप देखो
और देखो ठीक है, अब देखो फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस ये जोन में यहाँ पे जब भी आ रहा है तो इसमें एक बाइंग का बाइंग 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 ठीक है, ओके आपको दिख रहा है ना। और देखो देखो इस जोन में जब भी प्राइस आया तो यहाँ पे एक सेल ऑफ आया है, देखो यहाँ आया सेलिंग हुआ, यहाँ आया सेलिंग हुआ, इसको ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया ठीक है, यहाँ से नीचे आ गया ठीक है। लेकिन इस बार ये क्या हुआ, इसको इसके ऊपर सस्टेन किया, अपना ये हाई को भी मेंटेन किया ये, और अभी देखो एक नए हाई की ओर ये जा रहा है ओके। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अब आप देखो यहाँ पे, आप फिर देखो आप यहाँ पे, फिर इसने यहाँ पे क्या ये लेवल का देखो, फिर से इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस इस लेवल का बना इसमें, उसका फिर देखो नीचे आया, पर इस बार ये ईस्टर्न लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाता है, फिर ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन ठीक है, फिर देखो मूवमेंट आपको दिख रहा है। अगर आप चेक करो तो इसमें, और देखो ये तो आपको होगा कि ट्रेडिंग व्यू पे आप कैसे काम करना है आपको ओके। अब मैं बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ना एक मैं बता रहा हूँ एक इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर है उसे आपको यूज करना है, इंडिकेटर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जिग जैग ओके भाई, जिग जैग ये जिग जैग ओके। आप देखो इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर देता हूँ, इसमें जो फालतू की चीज़ें दिख रही है डिस्प्ले, ओके आप देखो ये ITC की चार्ट अगर आप देखो तो आपको दिख जाएगा कि इसमें सपोर्ट कहाँ है रेजिस्टेंस कहाँ है ओके। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आप देखो एक बार, ये देखो ITC की चार्ट आप खोलो तो आपको दिख जाएगा कि ये वाला जोन इसका क्या है सपोर्ट है और ये वाला जोन इसका क्या है रेजिस्टेंस है। आप देखो यहाँ पे तो आपको क्या करना है, जब भी स्टॉक सपोर्ट के नीचे आए तो आपको उसमें वो सिचुएशन देखना है जहाँ से उसमें आप बाइंग कर सको, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ से आप देखो एक ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे आप ऊपर जाओ इसको बाय कर सकते हो, फिर देखो यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया बाय कर लो ठीक है, फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाया आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, देखो ये रैली कितना लंबा रैली गया ओके। चलो और मैं आगे दिखाता हूँ आपको, देखो इसके बाद फिर आपको देखो यहाँ पे ये फिर आया, अब ये नया सपोर्ट बना लिया किस जोन में, इस जोन में एक नया सपोर्ट बनाया ये ठीक है। अब देखो जब इस बार जब ये स्टॉक्स गिरेगा ना ITC तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग होगी। ऐसा होता क्यों है कि देखो अगर किसी आदमी ने यहाँ पे देखो होता क्या है, ऐसा होता क्यों मैं ये बता रहा हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है, सोचो कि यहाँ पे बाइंग करना था आपने नहीं करा ठीक है, तो आप क्या देखोगे मौका ढूंढोगे ना कि जब इस लेवल पे दोबारा है तो आप वहाँ से बाई करोगे, तो यही होता है कि जब इस लेवल पे दोबारा तो एक अच्छी खासी बाइंग होती है इसमें। अब देखो ये स्टॉक्स को इसे ये देखो तुम्हारा ये लगभग यहाँ आ चुका है अब ठीक है, पिछले दो दिनों से ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये आज डेट हो गया तुम्हारा 28 सितंबर, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, पर आप देखो इसमें तो ये कितना अच्छा इसमें एक मूवमेंट आया, यहाँ से लगभग मार्च से इसने लगभग 230 से इसने 350 तक का हाई लगाया है, अब सोचो एक स्ट्रेट लाइन का मूवमेंट है इसका, समझ रहे हो आप। चलो ये तो हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हो गया कि मतलब ट्रेडिंग व्यू में आपको करना क्या है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, भी मैं बता दिया कि आप आराम से ये एक जिग जैग वाला, आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप एक ऐसे सीधा कोई भी स्टॉक आप उठाओ, लाइक मैं कुछ क्या करूँ मिड कैप ओके, मैं ना ये वरुण बीवरेजेस की चार्ट खोलता हूँ ठीक है, ये देखो इसका डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है ओके। ये तो वन साइडेड मोमेंट है इसमें, इसमें तो नहीं ले सकते यार ओके ABB ओके हाँ इसमें देखो आप, इसमें देखो इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें आपको क्या दिख रहा है देखो सपोर्ट मतलब जहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हो जाए ठीक है, मतलब नीचे गिर रहा है उसके बाद वहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाए, देखो आपको क्या करना है
ये जोन दिख रहे हो आप यहाँ पे, ये जोन, ठीक है, ये जोन देखो, इस जोन से क्या आ रहा है, जब जब प्राइस यहाँ इसके पास आ रहा है, इस जोन में आ रहा है, एक अच्छी मोमेंट आ रही है, यहाँ एक मोमेंट आई, यहाँ एक मोमेंट आई, यहाँ एक मोमेंट आई, है ना। तो ये आपको क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ओके, अब रेजिस्टेंस क्या हो गया कि इस जोन के पास जब भी प्राइस आ रहा है ना, इस जोन के पास, तो आप देख रहे हो ना एक अच्छी खासी इसमें सेल ऑफ आ रही है। एक बार यहाँ आया, नीचे आ गया स्टॉक्स, दूसरी बार आया नीचे आ गया, फिर तीसरी बार आया नीचे आ गया, तो आप क्या देख रहे हो, इसमें एक नीचे आ रहा है, ठीक है। आप इसमें एक देखो, एक सपोर्ट इस तरह से भी आप इसमें देख सकते हो, इस टाइप का सपोर्ट देखो, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। देखो यहाँ पे आया प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आया प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आया प्राइस ऊपर गया, आप देख रहे हो, है ना। और देखो अगर इस देख रहे हो कि यहाँ पे नीचे तोड़ा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट था, फिर अगले दिन इसने गैप अप खुल के यहाँ पे आ गया, तो आपको दिख रहा होगा पैटर्न, ठीक है, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो इस तरह से। अगर देखो तो ऐसे तो मैं तो ये तो आपको सिर्फ ड्रो करके दिखा रहा हूँ। देखो इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रो कर सकते हो। लाइक मैं आप दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, ये तो पैरेलल लाइंस, ये ट्रेंड लाइन आपको जो करना है, ठीक है, आप देखो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं ऐसे नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, इसमें ये परफेक्ट मैं बनाया नहीं हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो आपको दिख रहा है क्या, इसके पास जब भी प्राइस आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो आपके लिए क्या हुआ, सपोर्ट का काम हो गया। और रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे देखो जहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, अगर अगर सोचो एक सिचुएशन ऐसा, जैसे देखो यहाँ से क्या आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है ना नीचे, यहाँ से देखो यहाँ से प्राइस क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, ओके, ऐसे प्राइस नीचे आ रहा है। तो अब देखो क्या, यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसका ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, इसके बाद ऊपर गया, ठीक है, तो ब्रेकआउट दे दिया। अब देखो जब भी प्राइस अगर यहाँ से नीचे आ रहा है ना ये, तो इसका जो सपोर्ट होगा, इस वाला जोन इसका सपोर्ट होगा, है ना, ये वाला जोन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये देखो यहाँ से नीचे आ रहा है ये, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग ने इस रैली को मिस कर दिया, इतना लंबा रैली, लगभग ये 2400 से ये लगभग 3400 तक गया, इतना लंबा रैली जो मिस कर दिया, वो लोग क्या चाहेगा, यहाँ से बाय करने के लिए, ताकि यहाँ तक फिर से वो एक रैली को मोमेंटम इसका कैच कर सके। समझ में आ रहा होगा आपको चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तीसरा ऐप कौन सा आप यूज कर सकते हो, वो मैं बता रहा हूँ आपको, स्टॉकेज करके उसे आप यूज कर लो, या आप धन को यूज कर लो। धन में देखो क्या फीचर्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे पता चलता है कि कंपनी का फाइनेंशियल्स वगैरह क्या है। ओके, मुझे ना कोई मानो कि मुझे ये नौकरी की, मुझे इसकी देखनी है, वो क्या है इसकी, मुझे देखनी है डेटा। ओके सॉरी, क्यों भाई दिखा क्यों नहीं रहा। ओके फ्यूचर, ये फ्यूचर्स था, सॉरी नौकरी, ये मुझे देखने टेक्निकल्स इसमें दिखा रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर मुझे बाय करनी होगी तो कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। इसे सपोर्ट मुझे दिखा रहा है ये वाला जोन, ठीक है, यहाँ से 190 पॉइंट नीचे है, या मेरी रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ है, ये मुझे दिखा रहा है इसकी। ओके समझ में आ रहा होगा आपको। अगर मुझे और इसकी ये देखनी, मुझे फंडामेंटल्स देखने की, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, पीई क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ओके किस सेक्टर में है, या इसकी फाइनेंशियल्स क्या है, ये देखो इसकी टोटल रेवेन्यू इतनी, 2021 में इसकी रेवेन्यू थी 1128 करोड़ की, अभी कितनी है 1500 की आसपास की, प्रॉफिट इसकी कितनी है, 2021 में इसकी प्रॉफिट 17 करोड़ थी, जो बढ़ के अभी 176 करोड़ हो गई 2022 में। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ओके, ये सब चीज़ें आपको अगर देखना है तो आप धन में
अकाउंट अपना खोल के यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अभी तो मुझे धन सबसे बेस्ट लग रहा है यार, मतलब ट्रेडिंग के मामले में बिल्कुल मस्त लग रहा है। हर एक चीज़ें आपको मिलती है, वो भी फ्री में। आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम भी आपको मिलता है इसमें, आप पूरा चेक कर सकते हो मार्केट में क्या न्यूज आ रही है इसके रिगार्डिंग। ओके, देखो क्या न्यूज आ रही है, ये सब पूरा इसमें आएगा। ओके, अब देखो दूसरी कंपनी से मुझे टाटा मोटर्स की देखनी है फाइनेंशियल्स। ओके, टाटा मोटर्स इसकी देखनी है, देखो क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, पी रेशियो क्या, सब कुछ फाइनेंशियल देखनी है। ये देखो इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, डिक्रीज हो रही है, ईबिटा पीबीटी टैक्स नेट इनकम। ओके, रेवेन्यू क्या है इसकी, ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर माइनस में -35 थी 2021 में, जो घट के -29 हुआ, मतलब कुछ तो सही हो रहा है इसमें। अर्निंग पर शेयर मतलब डिक्री इंक्रीज करे, यहाँ पे क्या था -35 था, -35 वो बढ़ के क्या हो गया -29, मतलब इंक्रीज डिक्रीज किया है। ओके, ये देखो आप, अगर पूरा देखना इसकी प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग्स है इसमें, DII की कितनी है, FII की कितनी है, रिटेलर्स कितने होल्ड करके रखे, सब पूरी चीज़ें आपको दिखेगी। प्रमोटर्स की सेम टू सेम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक बढ़ाया है इसमें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने घटाया है इसमें। ओके, मार्च हर एक क्वार्टर बाई क्वार्टर ये आपको दिखेगा इसमें, तो आप इसके लिए आप यूज कर सकते हो धन को। धन का जो अकाउंट ओपनिंग लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, वो बस मैं बता रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आप ये सब समझ लो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो कोई स्टॉक प्राइस है, ओके देखो ये कोई स्टॉक प्राइस है, बार बार इस जोन से आके यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा होगा कि एक ये देखो ये क्या, इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। जब यहाँ आ रहा है इसमें बाइंग आ रही है, तो आप पे क्या है जिसने भी ये मौका यहाँ से यहाँ तक का छूट जिससे छूट गया वो यहाँ पे बाई करेगा, ताकि फिर से उसे उसमें दिख रहा है कि यहाँ तक जाने का पोटेंशियल है तो उसमें बाई करेगा उस। ठीक है, तो अगला फिर जब यहाँ है तो यहाँ पे बाइंग आई। और आप देखो रेजिस्टेंस क्या, जब भी देखो मार्केट ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, या ऐसे आप मान लो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, जब मार्केट इसके पास आ रहा है तो क्या रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, सेल ऑफ आ रहा है इसमें, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट क्या ऊपर चला गया, तो इस तरह से ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, इसका सपोर्ट हो गया। अब सोचो एक सिचुएशन ऐसा आया, ओके एक सिचुएशन ऐसा आया कि ये एक सिचुएशन ऐसा राइज हुआ, सिचुएशन क्या मैं बता रहा हूँ, स्टॉक प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ओके, स्टॉक प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ओके ब्रेक कर दिया, तो क्या हुआ ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अब क्या होगा, अब देखो ये ट्रेंड लाइन ऐसे जा रहा है, अब ये इस बार यहाँ आया तो यहाँ से ऐसे, मतलब ये ट्रेंड लाइन अब इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगा, जो इसके लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब सपोर्ट का काम कर रहा था। और अगर ये इसके नीचे चला जाए तो जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले दिन हम जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है, उसमें ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग क्या, उस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग इन दिस वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में हम आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकिंग अकाउंट का लिंक डाल देंगे, जहाँ से आप अपने चाहो तो अकाउंट ओपन करा सकते हो। ओके, थैंक यू।